आप सबको नमस्कार। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और साथी, सबसे पुराने, मैं क्रमवार नहीं कहूंगा, सबसे बड़ी हमारी अध्यक्षा भी रही हिमाचल कांग्रेस की, हमारे साथ संसद में सदस्य रही श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, मेरे बाजू में चौधरी चंद्र कुमार जी, जिनका मेरा संबंध 1977 से है, आज 47 बरस हो, ये संबंध पुराना और बड़ा गहरा है। वरिष्ठ मंत्री हैं, इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हमारे आशीष बुटेल जी विधायक भी हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, संजय रतन जी, ये भी सब पुराने साथी हैं, किशोरी लाल जी बैजनाथ से हमारे विधायक हैं, और ये भी हमारे एक वरिष्ठ नेता तो साथ में पुराने साथी हैं, भाई केवल पठानिया जी जो संगठन के पुराने स्तंभ हैं, हमारे बाद की पीढ़ी के, जिन्होंने वही मार्ग अपनाया, वही संगठन में काम किया, वही संगठन को बनाया जिनमें मैंने काम कर किया था। संजीव गांधी जी हमारे प्रभारी हैं, यहाँ पर मीडिया का देखते हैं, मेरे साथ आए हुए डॉक्टर कैलाश प्राशर जो भी को फाउंडर में से थे, NSUI के सोलन के नेता हैं बड़े, डॉक्टर राजेश शर्मा जी बैठे हैं, अब सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो सब नमस्कार कर देना सबकी तरफ से, मैंने जितनों का परिचय दे पा रहा आवश्यक भी था सबका, बाकी अपना अपना बात में। साथियों, केवल पठानिया जी ने कुछ बातें बताई हैं आपको, आने का मकसद आपको मालूम है, जीवन परिचय के कुछ अंश इन्होंने बताए, काफी एक विस्तृत कागज आपको शीघ्र दे दिया जाएगा पार्टी के द्वारा, जिसमें तमाम वो काम हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए मेरे दशकों के सार्वजनिक जीवन के दौरान। मुझे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आदेश हुआ है और हमारे तमाम साथियों का स्नेहपूर्वक आग्रह कि मैं यहाँ आऊं और पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनूं। कांगड़ा और चंबा या पूरा हिमाचल, शायद कोई स्थान, कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं, कोई ब्लॉक नहीं जहां मैं नहीं गया। विशेष तौर पे जब मैं हिमाचल युवक कांग्रेस का एक लंबे समय और बड़े चुनौतीपूर्ण से भरे समय में अध्यक्ष था, और उसके बाद भी आप इसे जो पुराने हैं वो शायद वाकिफ होंगे, हर चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में मैं प्रचार से जुड़ा रहा, जहां जहां बुलाया गया, पर यहां की और चंबा की कोई बड़ी रैली नहीं हुई जिसको मैंने, तो बड़ी अहम बात मानता हूं कि एक ऐसे समय में हमारे दल ने, संगठन ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिम्मेवारी दी, जब बहुत चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने हैं। ये चुनाव और भारत के चुनाव सबसे बड़ा प्रजातंत्र है पूरी दुनिया की निगाह, बहुचर्चित है विश्व के अंदर, विश्व के बड़े मंचों पे लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान का क्या फैसला होगा। लोगों से जुड़ी बहुत बातें हैं, महिलाओं की भागीदारी, उनको क्या हिस्सेदारी मिले, क्या न्याय मिले, क्या अवसर मिले जो हमारे विकास उद्योगीकरण से जुड़ सके, चाहे 100 बार दोहराया जाए, पर असली बात जहां रोकी जाती है आप लोगों की भी जबान, हमारी तो नहीं, अगर कोई एडिटिंग हो जाती है, नए सर्कुलर आ जाते हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय के, नए वॉचडॉग्स बना दिए जाते हैं कि क्या बोलोगे, क्या दिखाओगे, ये भी हो रहा है मीडिया के साथ। अभी व्यक्ति की आजादी जो संविधान देता है
उस पर निरंतर प्रहार, निरंतर। सुप्रीम कोर्ट ने बचाया, मीडिया को ही बचाया, वरना तो लगा दी थी लगाम चुनाव से पहले। चैनल बनाना, इकोलॉजी को सामने रखते हुए जो हमारे बड़ी सड़कें बन रही हैं, जो हमारे टाइम में नेशनल हाईवे अथॉरिटी थी, उनको बढ़ावा देना, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे हम,